استقبال استقبال ہے سر निया का डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड है अभी एक घंटे में और निया ने जाने से इनकार कर दिया है। हम निया को समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक आइडिया है हमारे दिमाग में, आइए बताते हैं। जब तक मैडम सर निया को मना नहीं लेती इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, हमें इस कॉम्पिटिशन को पूरा होने से रोकना होगा। अरे कहाँ चले आ रहे हैं आप, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं? तुम हमसे पूछती हम कौन होती, तुम हमको नहीं जानती, बलदी इसको हमारे ऊंट के पैर के नीचे देती। खबीस की खुरचन, तुम शेख साहब से पूछती ये कौन होती, अरे ये शेख जलील बिन सुल्तान, अरब में इनके पास दो दो तेल का बोतल होती, कुआ होती, हमारे पास बहुत बहुत पैसा होती, और ये तुम्हारा शो हम स्पॉन्सर करना चाहती, बिकॉज आई एम डांस लवर होती, डांस लवर होती है, रख दी। मगर मगर शेख साहब की एक शर्त होती, पूरा पूरा डांस फिर से देखने का मांगती, तो खातिन से तीन तीन बार करवाती। मानिका ओवरएक्टिंग मत करो, देखिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत तो है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो कर चुकी, हमको ये डांस शो वापस देखने का मांगती। रिस्क बच्ची तुम हट्टी हमारे सिंहासन का, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, कॉम्पिटिशन दोबारा से शुरू करो। निया चला देना चाहिए, क्या कर रही है, तो छोड़ छोड़ इसे, क्यों रोक रहे हैं आप सब मुझे, और किस सिक्योरिटी की बात कर रही है आप मैम, क्या इस एरिया की हर लड़की के साथ 365 दिन 24 घंटे आप रह सकती है, क्यों चुप है मैम आप, बोलिए ना, तुम बताओ तुम कभी उस रास्ते से गुजरोगी जहां मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, मेरी मम्मी ने तो मुझे 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने को ही मना कर दिया है। देखा मैम, ये डर जो हम लड़कियों और हमारे घर वालों के दिलो दिमाग में बस गया है, क्या इस डर को आप निकाल पाएंगी, हम अपने घर से अगर बाहर जाएंगी तो हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई हमें छेड़ेगा, हमारे साथ बदतमीजी करेगा, हमें ह्यूमिलिएट करेगा, हमें अब्यूज करेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा, इस खौफ को क्या हमारे ज़हन से आप निकाल पाएंगी, कुछ नहीं बदला है मैम, ये आजादी की बात है ना, ये सब एक ढोंग है। तो सारी परफॉर्मेंसेस दोबारा देखने के बाद अब बारी है फाइनल रिजल्ट्स की, जो कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे दोनों रिस्पेक्टेड जजेस ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है हमारे जजेस के फाइनल रिजल्ट्स। कौन जाएगा इस डांस कंपटीशन के फाइनल में? मैडम सर, निया नहीं आने वाली बिल्लू। ओह नो! क्या होती? ये क्या बोलती? हमारे तेल का रेट मार्केट में गिरती, हम पूरा लॉस होती, अभी भी कभी भी क्या बोलती, इसलिए स्पॉन्सरशिप हम अभी के अभी बिल्कुल ही कैंसिल करती। कैंसिल? मेरे पैसे? पैसा? हुजूर बर्बाद होती, तुमको पैसा कब पड़ती? हतीन की बच्ची तुम क्या ये करती, यहाँ से निकल लेती? निकल लेती वाला हबीबी, दफना था कभी भी। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे। नारियल से पानी निकालने के लिए उसको पुचकारा नहीं जाता है, उसके बक्कल उथेड़े जाते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं मैडम सर आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाते हैं गली नुक्कड़ में जितने भी लोग हैं इनको सबक सिखाते हैं, ताकि फिर कभी किसी गली ये लोग दिखाई ना दे। और उससे क्या होगा करिश्मा सिंह, हम आज उन्हें मार देंगे, वो ये गली छोड़ देंगे, लेकिन फिर दोबारा दूसरी कोई गली, दूसरा कोई मोहल्ला, दूसरा कोई नुक्कड़ पकड़ लेंगे,
जब तक हम इस घटिया सोच को नहीं बदलेंगे जो इन मर्दों को ऐसी घटिया हरकत करने पर मजबूर करती है, तब तक कुछ नहीं होगा। और कैसे करेंगी मैडम सर आप वो? कैसे हर जंगली जानवर की जंगली सोच को आप बदलेंगी? किस किस के दिमाग में जाके आप अपने जज्बातों का सत्संग करेंगे? और करेंगी भी तो क्या गारंटी है इस बात की कि इन जंगली जानवर की जंगली सोच में आपके सत्संग के अमृत रस का कुछ असर होगा? बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ी से बड़ी क्रांति के लिए भी बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। अगर हम इस एक गली को भी सेफ कर पाए ना, तो हमें लगता है बहुत जल्द ये चिंगारी पूरे शहर में फैल जाएगी। अब आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा इस क्रांति की चिंगारी के बारे में। चल निकल। ओए ओए जाने मान, किधर जल्दी? देखो इतनी सर्दी पड़ रही है, थोड़ा गर्मी तो बढ़ा दो। मैं अरे भैया जी क्या कर रहे हो आप? चाय बनाइए कि नींद का काढ़ा? हैं? चीनी का तेरा बाप डालेगा? भैया जी भूल गए। भैया भैया क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हो गया? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अब बैठ बैठ जा। बेटा क्या हुआ? बेटा बता बता क्या हुआ? भैया वो हाँ मम्मी, मम्मी मैं पहुंच रही हूँ 10 मिनट में। छोटे छोटे अरे मम्मी को क्यों तकलीफ दे रही हो? और सुनो अपना ये प्यारा सा चेहरा तो दिखाओ, हम सपने में किसको देखेंगे? सपने में किसके साथ रोमांस करेंगे? अरे भैया जी आपसे बात नहीं होगी, हम बात करेंगे बड़े प्यार से। देखो प्यार से बात सुनो ना। अरे सुनो तो सही, सुनो तो। अरे प्यारा मुकरे। अरे गिर गई, गिर गई, गिर गई बेचारी, गिर गई। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे रुको, इतनी हिम्मत की रुद्र की बहन को छेड़ा, छीन के रख दूंगा। चल मेरे साथ। भाई देखो हो रहे वो लोग। भैया जी हमें पता नहीं था ये अपनी रोशनी आपकी में। कुत्ता भी घर का खाली बर्तन नहीं चाटता है और तुम लोग अपने दोस्त के घर में। बस बहुत हुआ, अब बाकी धमा चौकड़ी ना सब थाने चलकर। जी समझाइए क्या चल रहा था वहां पे? काय मार रहे थे इन लड़कों को आप? मारता और मार मार के नंगी खाल उधेड़ देता। आपको पता नहीं इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ? दोस्त होकर दोस्त की घर की इज्जत पर हाथ डाला है, तो उसकी बहन को छिड़ा इनकी तो मैं। अरे रहो चुपचाप, पीछे हटो पीछे। ये पुलिस थाना है, तुम्हारा घर या पार्टी नहीं है जो तुम अपनी मनमानी करो। चुपचाप खड़े रहना वहीं पर अब। और आज तुम्हारी बहन पर बात आई है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? तब शर्म नहीं आती जब तुम दूसरी लड़कियों को छेड़ते हो सड़क पर, गली में, नुक्कड़ में? क्यों सिर्फ तुम्हारी बहन है इसलिए उसकी इज्जत है? बाकी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है? होना चाहिए तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि जो घटिया हरकत तुम लड़कियों के साथ करते हो वही घटिया हरकत तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकती है। और वही हुआ है आज। हर लड़की की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो तुम्हारे घर की औरत हो या ना हो। और ये बात हर मर्द के लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर हर मर्द हर औरत को अपने घर की औरत की तरह रिस्पेक्ट दे, उसका सम्मान करे, तो फिर तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर तो ये शहर, ये देश, ये पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी हर किसी के लिए। तो क्यों नहीं हो सकता ये? यही बात, यही बात समझाने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था। जी ये नाटक था और आपकी बहन इसमें शामिल थी। क्या नाटक? रोशनी ये नाटक हमने इसलिए किया ताकि आपकी आंखों में पड़ा ये बेशर्मी का पर्दा जो है वो हट सके। सॉरी भाई मजबूरी थी, करना पड़ा। मेरा भाई भी हर लड़की की तरह मेरा हीरो है, मैं भी हर लड़की की तरह अपने भाई को दूसरी औरतों को प्रोटेक्ट करते हुए देखना चाहती हूँ, उनकी इज्जत करते हुए देखना चाहती हूँ, ना कि दूसरी लड़कियों को उनको छेड़ते हुए देखना चाहती हूँ।
आपको भाई सब कितना मानते हैं, सब लोग कितनी इज्जत करते हैं आपकी। आप मेरे ही नहीं पूरी शहर के यूथ के हीरो हैं भाई। अगर आप ही ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बाकी सब लड़कियों का क्या होगा, हर गली हर नुक्कड़ पर सब यही करेंगे ना उनके साथ। भाई सबसे पहले आपको औरतों की इज्जत करनी होगी, उन्हें सेफ फील कराना होगा ताकि आपके फॉलोअर्स भी उसी नक्शे कदम पर चले और औरतों की इज्जत करें। शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी भाई। तुम सही कह रही हो रोशनी, अब ऐसा ही होगा। मैडम हमें माफ कर दीजिए, मैडम हम भटक गए, हमने बहुत गलतियां भी की, लेकिन अब समय आ गया उन गलतियों को सुधारने का, एक नई सोच से युवाओं को सही रास्ता दिखाने का, और वो हम करेंगे। हमें माफ कर दीजिए मैडम। अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज, उठो 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 उठो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुशी है इस बात की कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हम असली माफी के हकदार नहीं हैं। तुम्हें माफी निया से मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने ये घटिया हरकत उसके साथ की है, वो है इस माफी की असली हकदार। हम उससे भी माफी मांगेंगे मैडम, पैर पकड़ कर माफी मांगेंगे। माफ कीजिएगा मैडम, पर अब इनकी माफी क्या उखाड़ लेगी हमको समझ में नहीं आ रही। जो उसके सपनों के बक्कल उखड़ने थे वो तो उखड़ चुके हैं ना, उस कॉम्पिटिशन से वो बाहर हो चुकी है, मुकाबले से बाहर है, उसका कॉम्पिटिशन का सपना टूट चुका है। जो सपनों के पर इन्होंने काट दिए हैं वो वापस कहाँ से आएंगे? अब अरे भैया जी सुधर गया, हमारी उधारी दे दीजिए प्लीज। इतने भी नहीं सुधरे हैं। मैडम मैडम मैडम, हमने एक कैंपेन शुरू किया है, ये देखिए इसमें ना 20,000 लोग जुड़ चुके हैं और भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। ये कैंपेन ना हमने निया के लिए शुरू किया है मैडम। इसके जरिए हम डांस शो के ऑर्गेनाइजर को ये अपील पहुंचा रहे हैं कि निया की मेंटल और फिजिकल सिचुएशन को देखते हुए ना उसे थोड़ा सा टाइम और दे दें। हाँ मैडम, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। हाँ बहुत कर रहे हैं। तुम भी कुछ सीखो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। वाह वाह वाह, तो ये सब हो रहा है यहाँ? इतना सब होने के बाद भी आप लोग सुधरे नहीं है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना छोड़ा नहीं आप लोगों ने? आप ही के दबाव में आके हमारे कार्यकर्ता उस लड़की की मदद कर रहे हैं। पर SHO साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भुलावा मत पालिएगा। आपके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे, उस लड़की को हम किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। देखिए अब आप हमारी सुनिए भैया जी, हम यहाँ पे ना किसी की मजबूरी या किसी के दबाव में नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से आए और जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और हाँ, अब हमें आपके कोई मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना मार्ग चुन लिया है। और बड़ा उपकार होगा आपका कि आप अगर हमारे मार्ग के बीच में ना है, वरना युवा शक्ति है बौखला गए ना अगर, तो मार्ग से मोक्ष पहुंचाने में समय नहीं लेंगे, उसे धमकी ही समझिएगा, क्योंकि ये धमकी ही है। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत हो गई, छज्जू भैया को आज आंखें दिखा रहे हो तुम्हारी तो। एक मिनट, क्या कर रहे हैं नेताजी आप? इस उम्र में मार पिटाई आपको शोभा देता है क्या? बाबा ये सिर्फ इनको शोभा देता है। चुप। नहीं मतलब आप बात को और मत बढ़ाइए, गलती से हमारा हाथ इधर उधर पड़ जाएगा ना तो अगले दिन फोटो के आगे अगरबत्ती सुलग जाएगा और माला भी चढ़ जाएगी। हाँ। हो गया, कानून को हाथ में मत लीजिए, थोड़ा कायदे में रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हम भी देखता हूँ कैसे वो नाच का कंपटीशन जीतती है। हाँ पुष्पा जी कहिए। क्या ठीक है, क्या हुआ? छज्जू भैया ने अपना काम कर दिया, वो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजर से बात कर चुके हैं और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। भैया जी इसका मतलब हमारा कैंपेन फेल हो गया है? चिंता मत करिए, इसका हल है हमारे पास। निया बेटा देखो तुमसे कौन मिलने आया है।
हाय निया, कैसी हो? एक काम करो, टीवी ऑन करो, वो जो डांस कंपटीशन वाला चैनल है लगाओ जरा। मैडम जरा इधर आइए। ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, निया यही कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। वो पहले से ही इतनी दुखी है और आप उसके जले पे नमक छिड़क रही हैं। देखिए, अब जख्म है या मरहम है ये देखने के बाद ही पता चलेगा। लगाई, टीवी लगाई। निया रुक जा बेटा, बैठ जा। अगर इस वक्त वो लड़की मुझे देख रही है, सुन रही है, जो मेरी वजह से आज इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई, जिसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सपना था, उससे मैं कुछ कहना चाहता। हम जैसे मर्द अपने घर की औरतों को देवी का रूप मानते, उनका सम्मान करते, उनकी पूजा करते, पर घर से निकलने के बाद दूसरी औरतों के लिए हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बाहर मिलने वाली हर औरत हमें भोग विलास का सामान लगने लगती है, जिसे छेड़ना, परेशान करना, फंसाना हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। और यही थी हमारी गिरी हुई घटिया सोच। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया निया, इसलिए आज इस पूरी दुनिया के सामने हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। निया जानता हूं आसान नहीं होगा, हो सके तो हमें माफ कर देना निया प्लीज। और तुम चाहो तो बिना डरे बेझिझक उस रास्ते से दोबारा जाओ, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब कभी भी तुम्हें उस रास्ते पे दोबारा कोई भी रुद्र नहीं मिलेगा। और मैं अपने यूथ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अकेली लड़की को एक मौका ना समझे, उसे अपनी जिम्मेदारी समझे। यकीन मानिए मेरा, किसी लड़की को सेफ फील कराने से बड़ी मर्दानगी और कुछ नहीं। या मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारी गलती की सजा खुद को मत दो, प्लीज इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो, जीतो और इस शहर का और अपने परिवार का नाम ऊंचा करो। हम सब तुम्हारे साथ। मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर केशव। निया, हमारे चैनल ने डिसाइड किया है कि तुम्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर इस शो में शामिल किया जाए, इसीलिए तैयारी शुरू कर दो। कंपटीशन टफ होने वाला है, फिनाले में जाकर सबकी दुक्की पीटनी है तुमने। थैंक यू मैडम, यू मोस्ट वेलकम। ब्रेव गर्ल। अच्छा बेटा, थैंक यू। आप लोग लीजिए ना। हाँ हाँ। मैडम, ये सब आपकी वजह से ही पाया है इसने। निया तो कब से हार मान चुकी थी। नहीं नहीं, जीत सिर्फ और सिर्फ निया के टैलेंट की है। सच में बहुत टैलेंटेड लड़की है। हमने तो बस इसे इसकी हिम्मत से, इसके पैशन से और उसके सपनों से दोबारा मिलाया है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया होता मैम, तो निया सिर्फ एक गुमनाम लड़की बन के रह जाती। आपको नहीं पता मैम कि आपने मेरे लिए क्या किया है। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। अरे अरे क्या, इतनी भी उम्र नहीं है हमारी पगली, हम तो तुम्हारी सखी जैसे हैं। सखी? ये ले ये ले। अभी तुम्हारी सिर्फ शुरुआत हुई है, हमें पूरा यकीन है कि अगला डांस कंपटीशन भी तुम जीतोगी और सबका नाम रोशन करोगी। और आज के बाद दोबारा कभी किसी से मत डरना। मैडम, ये जो कुछ भी आपने निया के लिए किया है और निया जैसी हर लड़की के लिए किया है, उसके लिए ये तो बनता है।
हमें खुशी है कि हम कम से कम एक सड़क को तो सही मायने में महफूज कर पाए। बस उम्मीद यही है कि एक दिन हमारे इस शहर की, इस देश की, शायद इस दुनिया की हर एक गली, हर एक सड़क इसी तरह महफूज हो जाए। हमें ऐसा काहे लग रहा है मैडम से कि वो दिन जो है दूर नहीं है? फिर तो बिल्कुल नहीं है।